गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ब्रो, कैसे हो आप लोग? यार आज 2 दिन बाद गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। पता क्या है, अभी 2 दिन से तो स्कूल चल नहीं रहा, तो मैं आज लड़के को बोला, मैंने कहा चलो यार इधर उधर कहीं घूम के आते हैं, चलो चलते हैं। तो वो पहले तो बोलता मामा को बात करेगा, मामा के साथ, तो फिर बोलेगा। मैंने कहा मामा क्या बोलेगी, उसको बोलो पार्क में जाना है। तो हदीका भी इधर, पार्क को हदीका बोलते हैं अरबी में, तो इधर हदीका भी कोई पास में नहीं है। तो फिर वो अपनी माँ को बोला होगा, वो अभी मेरे को लोकेशन दी है, यहीं 10 मिनट का रास्ता है बथा के पास, कोई अब्दुल्ला करके पार्क है, नाम है पार्क का अब्दुल्ला करके, और वहाँ पे चलते हैं। अच्छा खासा पार्क है, देखा है अभी उसके फ़ोटो वोटो तो अच्छी खासी देखी है। चलो देखते हैं वहाँ पे जाके, आपको भी दिखाते हैं। 2 दिन बाद आज घर से निकल रहा हूँ यार। अभी पार्क में तो पहुंच गए, लेकिन यार यहाँ पे एक पार्किंग का बड़ा मसला है, पार्किंग कहीं मिल ही नहीं रही, पूरा बिजी है रोड भी और आजू बाजू में पार्किंग सब बिजी है, इतना जाम में पूछो नहीं। एक तो आज जुमा करके है, और लेकिन ऐसी जगह पे जाम वैसे ही रहता है, एवरी डे ही रहता है। चलो अभी देख के पार्किंग लगा के फिर अंदर जाएंगे, पहले पार्किंग मिलनी चाहिए, पार्किंग मिल जाए उसके बाद अंदर जाएंगे, देखेंगे अंदर अंदर का क्या सीन है, क्या नज़ारा है अंदर का, फिर आपको साथ दिखाएंगे। आप अभी जाम बहुत है अंदर, देखो बहुत लाइनें लगी हुई हैं। पहले तो पार्किंग का बड़ा मसला है, पार्किंग के टास्क है यहाँ पे, पार्किंग गाड़ी लगाना, पार्किंग लग जाए फिर कोई मुश्किल नहीं है। एक मसला ये भी है ना, तो बाद में साला पता नहीं चलता इधर का कि कैसे कैसे बाद में आना है। एक बार पार्किंग मिल जाए कहीं, देख के का पार्किंग मिल जाए ना, फिर चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। पार्किंग हमें मिल चुकी है, लेकिन थोड़ा दूर आके मिली है। अभी गेट इस साइड पे है, वहाँ पे जाके वो आगे जाओगे ना, आगे जाके गेट है उधर जाके। ये भी पार्किंग, ये लगा दिया गाड़ी, ये गाड़ी अपना गाड़ी पार्किंग कर दी, अच्छी खासी पार्किंग मिल गई। अभी चलते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। ये सब लोग, जितनी भी भीड़ खड़ी है ना, सब ये अंदर जाने के लिए खड़ी है। बहुत रश है भाई, बहुत ज़्यादा रश है। ये अंदर की तरफ अगर आपको दिख रहा हो तो अंदर भी बहुत ज़्यादा रश है, देखो कितना जाम लगा हुआ है बाहर ही, बाहर बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत लोग खड़े हैं, पता नहीं था पूरा रियाद इधर ही आया हुआ है। चलो हम भी घुसते हैं लाइन में लग के। ये है वो पार्क, अब्दुल्ला, किंग अब्दुल्ला पार्क, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे, पता नहीं क्या रीज़न है। इधर भी जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, बहस बसाई हो रही है, इधर भी बहुत ज़्यादा बहस बसाई हो रही है, पता नहीं अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। और पता नहीं, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि अंदर बहुत ज़्यादा जाम है इसलिए नहीं जाने दे रहे। तो अभी जाम बाहर बहुत बहुत लोग खड़े हैं, वैसे ही बहुत लोग, पूरा जाम लगा हुआ है, वो जान ही नहीं दे रहा किसी को भी अंदर जाने दे रहा। जैसे खुलता है तो चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं इंशाल्लाह। अभी खड़े हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो जाने किसी को भी नहीं दे रहा। वो देखो, वो भी लोग वापस, सब लोग वापस जा रहा है, और जाम बहुत है ना, भीड़ बहुत है अंदर भी बाहर भी, तो किसी को नहीं जाने दे रहा। ये भी इधर रोक के खड़ा है और इधर ये रोक के खड़ा है, किसी को नहीं जाने दे रहा। तो हमारा भी अभी फिर जाने का प्रोग्राम हो गया, कैंसिल नहीं जाएगा अंदर। एक घंटे से, एक लगभग एक घंटा हो गया खड़े हुए, देखो कितना जाम है। चलो चलते हैं, अभी कुछ खाना है यार, बहुत बहुत भूख लगी है। सामने कोई देखते हैं, मतलब तुम कोई दुकान, होटल वोटल वगैरह, ये सामने मार्केट में, तो कुछ लेते हैं खाने के लिए, भूख बहुत लगी है। सॉरी यार, अंदर तो नहीं जा सके, तो जाम बहुत है यार, इतना रश है अंदर जाने के लिए। वो वैसे ही बंद कर दिया, बोलता है अभी किसी को जाना ही नहीं अंदर, वो दोनों गेट, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी, दोनों गेट बंद कर दिया। बोलता है अभी अंदर जाम बहुत है, अभी कोई नहीं जाएगा अंदर, सब बंद है, सब जा रहे हैं वापस जा रहे हैं, कोई बाहर बैठ गया, कोई जहाँ बाहर बहुत लोग बैठे हैं। तो फिर मैं तो भाई, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि आज दोपहर में खाना वाना नहीं खाए, तो ले आओ उधर सामने मार्केट का, ये लेके आया हूँ, अगर आपको दिख रहा हो। इसके ये जैसे ना डब रोटी टाइप होता है, और इसके अंदर खजूर का पेस्ट भरा होता है, खजूर होती है उसका पेस्ट करके अंदर डाल देते हैं, तो उससे टेस्ट वगैरह
अच्छा बन जाता है और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। इसीलिए यार अंदर तो जा नहीं सके तो फिर यहीं थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करते हैं। तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसके अंदर ना ऐसे करके ये पूरा जैसे बर्गर टाइप होता है ना, पूरा खजूर का ये पेस्ट भरा हुआ है अंदर पूरा। तो ये दो पीस दिया है 3 रियाल का, ये एक पैकेट में दो ही था और 2-3 रियाल का दिया। ये शायद आपको दिख भी रहा होगा, शायद ये 3 रियाल का दिया है, 2 पीस था। और पेप्सी लिया, एक बर्गर लिया, ये बहुत अच्छा जैसे इंडिया में आता है ना इसका भी टेस्ट अच्छा रहता है। ये 2 रियाल का दिया 6 पीस, ये सादा है। तो चलो अभी नाश्ता करते हैं, वो तो सुबह के लिए चाय के लिए लिया है, ये तो अभी ऐसे ही खा जाएंगे इंशाल्लाह। वो कोल्ड ड्रिंक वोल्डिंग लेके आए, कोल्ड ड्रिंक लेके आए, जूस लेके आए। अभी पता नहीं वो लोग अंदर चले गए ना मेरे से पहले, क्योंकि मेरे को पार्किंग में लगाने बहुत टाइम लग गया, पार्किंग नहीं था इधर पास में तो उसलिए मेरे को टाइम लग गया, वो अंदर घुस गए, उसके बाद वो बंद कर दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। तो घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, लोकेशन से है, मैं घर से 10 मिनट लगा यहाँ तक आने के लिए। और चलो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, और अभी खा पी के थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, मार मुकेट देखेंगे, सामने मार्केट है उधर देखेंगे, और ना बात बनी तो गाड़ी निकाल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो वो तो अभी लेट निकलेंगे, वो तो 11-12 बजे तक निकलेंगे, जब तक हम इधर क्या करेंगे। तो चलो करते हैं अभी एंड ब्लॉग को, कल दिखाएंगे आपको दूसरा कहीं गए तो।